गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स गॉसिप में। मैं जस्ट अभी बेड से उठी हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पहले बाहर का व्यू दिखाया जाए। चक्राता में आज हमारा दूसरा दिन है और अभी हम लोग उठ के नहा धो के, अभी बहुत नींद आ गया, नहा धो के कहीं जाने वाले हैं। एक्टिवनेस लाओ। अभी उठ के हम लोग नहा धो के जाने वाले हैं एक जगह जहाँ पर आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। सुना है बहुत खूबसूरत जगह है वो भी, चक्राता तो वैसे है ही बहुत खूबसूरत, वो भी होगी। तो चलिए पहले आपको अपनी विंडो से खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं उससे। ये देखिए विंडो से ऐसा कुछ नज़ारा है। ठंड, मौसम बिल्कुल साफ हुआ है, बिल्कुल क्लियर मौसम है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड। तो चलिए, आपने मेरी विंडो से बाहर का नजारा देख लिया, अब हम लोग होते हैं रेडी और फिर निकलते हैं अपनी दूसरी जगह के लिए। तो अब हम रेडी हो चुके हैं और वक्त हो गया है इस जगह को अलविदा कहने का, इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने का। मन बिल्कुल नहीं है, बट वापस अपनी ज़िंदगी में, जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी है, उसमें जाना बहुत ज़रूरी भी है। व्यू घर पे इंतज़ार कर रहा है, घर में सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उससे सबसे बड़ी बात, ऑफिस में सब इंतज़ार कर, ऑफिस जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काम रोक नहीं सकते। तो अब चलते हैं इस क्यूट से रूम को बाय बाय बोल के, चल रहे वापस? हाँ, तबीयत खराब है, नहीं चलना, घर पहुंच जाओगी? हिम्मत कर रही हूँ यार, नाक वगैरह सब बंद हो गए। तो ये हमारा क्यूट सा रूम था, यहाँ पर अंदर हम लोग सोए थे। देखिए ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा रूम था ये। तो अब इसको अलविदा कहते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक और नई लोकेशन में, एक खूबसूरत सी लोकेशन में। नीचे जाके भैया से पूछेंगे कि उस जगह का नाम क्या है, जो होटल के भैया है, रोहन भैया। हाँ, रोहन भैया से उनकी जो वो जगह बता रहे थे वहाँ के बारे में पूछते हैं। हम लोग को नाम नहीं मालूम, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो लेके चलते हैं आपको उस जगह में, आई होप आपको वो जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सुबह सुबह बस अब हम लोग चाय की चुस्की लेंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। ये देखिए सूरज निकल चुका है, मौसम काफ़ी क्लियर है। तो दोस्तों, जिस जगह पर हम आपको लेकर आने की बात कर रहे थे, हम फाइनली वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये जगह का नाम है करनासर, जो कि जो हमारा होटल था वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और करनासर देवता यहाँ पर बसते हैं। यहाँ पर लोग हमने मिलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस मंदिर की क्या मान्यता है। यहाँ पर मंदिर है और मेरे जस्ट पीछे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो है ये एशिया का सबसे मोटा पेड़ है। इसकी जो चौड़ाई है
जितना मोटा ये है, ये 6.35 मीटर्स मोटा है और ये एशिया का सबसे मोटा पेड़ है और बहुत पुराना भी है। तो आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट करके ये बताते रहिएगा। साथ ही जो यहाँ पर पीछे देखिए ये बुग्याल टाइप का है, गार्डन टाइप का, तो यहाँ पर भी चलते हैं, अभी थोड़ी मस्ती करते हैं, बहुत सुकून सा मिल रहा है यहाँ पर आकर। ये देखिए, तो आप लोग को मैंने ये पेड़ दिखाया, ये स्पेशली हम इसको देखने आए थे होटल में, जो रोहन भैया है उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर सबसे चौड़ा मोटा पेड़ है, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, हमने सोचा कि क्यों ना खुद भी देखा जाए, जब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा और सही हम खुद भी आए यहाँ पर, और इसीलिए हम आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहे हैं कि कितना चौड़ा ये पेड़ है। इसके बाद वाला जो चौड़ा पेड़ है ये 6.35 मीटर्स है। इसके बाद जो मेरे पीछे है पेड़, ये 5.05 मीटर चौड़ा है और ये भी बहुत मोटा पेड़ है। ये वाला पेड़ तो सिंगल ही ऊपर तक गया है, देखिए ये पूरा सिंगल गया ऊपर तक, लेकिन जो ये पीछे वाला पेड़ है ना जो सबसे ज़्यादा चौड़ा है, ये देखिए ये ऊपर जाके दो भागों में डिवाइड हो गया है। ये देखिए, तो चलिए अब मंदिर में भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा घूमते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और फिलहाल अभी हम लोग हैं इस मैदानी इलाके में जो बुग्याल की तरह लग रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत करवाते हैं फोटोशूट और उसके बाद देखते हैं अगर हम लोग किस से बात कर सके तो वो भी करवाएंगे। देखिए पूरा जंगल जंगल है उस साइड, फॉरेस्ट का बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो ये चौकी वगैरह होती है वो मुझे लग रही है कि उस तरफ वो है, तो कुछ लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, देखते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर वो लोग बात करेंगे, वरना तो हम लोगों ने आपको यहाँ के दर्शन करवा ही दिए। बहुत खूबसूरत जगह है, आराम से तसल्ली से यहाँ पर बीच में बैठो, खाओ पियो, लेकिन जो कचरा है वो अपने साथ लेके जाओ। ये देखिए मेरे पीछे आपको ना, ये देखिए बीच बीच में दिख रहा होगा कितनी गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने, वहाँ पीछे देखिए कुरकुरे वगैरह खाए हुए हैं, रैपर्स यहीं फेंके हुए हैं, तो बहुत बहुत ही बुरी चीज़ है, ऐसा नुकसान जैसे पहुँचाते हैं ना जो ये पर्यावरण को, नहीं होना चाहिए। ठीक है एक्सप्लोर करनी चाहिए, ऐसी जगहों में आके खाना पीना में मज़ा आता है, बट ये करना बहुत गलत है कि आप कचरा। और दूसरी बात आपको बताऊँ कि जहाँ पर हम लोग गए थे मोइला टॉप में, वहाँ पर मैंने जो रोहन भैया हैं जो होटल जिनके होटल में हम लोग ठहरे थे, उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि भैया कि यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी अलाउड है, ऊपर हम लोग कैंप्स वगैरह लगा सकते हैं अपने, तो उन्होंने बोला कि पहले मैम थे अलाउड, बट अब कोविड के बाद से जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से बंद कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों लॉकडाउन में क्या हुआ था, लोग बाहर से आ रहे थे यहाँ पर आके टेंट्स लगा रहे थे, बॉनफायर जला रहे थे और एक जगह पे नहीं जगह जगह पे बॉनफायर कर रहे थे, क्योंकि जो लोगों को पसंद आएगी लोकेशन, जो टॉप उन्हें पसंद आएगा वहाँ पर आके वो लोग ठहर रहे थे, वहीं पे बॉनफायर जला रहे थे, तो जगह जगह पे एक तो जला हुआ था, सेकंड थिंग कि बाहर से खाने पीने का सामान ला रहे थे या वहाँ खाना पीना बना रहे थे और उसके बाद वहाँ पर ही वो गंदगी छोड़ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि 4 से 5 खच्चर हमारे लगे थे ऊपर से उस कचरे को सारे को नीचे लाने में, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है।
अगर आप लोग जा रहे हैं तो नेचर में वहीं पर जलाइए भी मत कचरे को, आप अपने साथ उस कचरे को ले आइए, एक बैग एक्स्ट्रा लेके जाइए, उस कचरे को अपने साथ वापस लेकर आइए। तो पर्यावरण का अगर लुफ्त उठाना है ना, अगर इस खूबसूरती को ऐसे ही देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए काम भी आप ही को करना पड़ेगा। काम है क्या, जैसे अपने खाने पीने की चीज़ें नीचे लेके जा रहे हो या पहाड़ में लेके जा रहे हो, वैसे ही वापस भी लेकर आओ अपने साथ और डस्टबिन में उसको डिस्पोज करो। मैंने ये ग्लासेस इसलिए लगाए थे क्योंकि चलो रियलिटी आप लोग को दिखा देती हूँ। मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, और इसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि काम है। आँखों के नीचे मेरे काले गड्ढे देखिए, इतने काले गड्ढे हो गए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, थकान लगी हुई है, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन इसका भी अलग मज़ा है, इस थकान का भी अलग मज़ा है। बट एनीवेज जाना तो पड़ेगा, तो वापस से लगा लेते हैं इनको ताकि मेरे डार्क सर्कल्स किसी को ना दिखे। ये तो काफी पुराना मंदिर है यहाँ पे, जब से हमने भी अपने 60 साल की उम्र होगी तब से तो हम भी देख रहे कि ये मंदिर जो है। अच्छा, काफी पुराना मंदिर है यहाँ। अच्छा। बाशिक महाराज का मंदिर है। किनका है? बाशिक महाराज। चार भाई मौसु है ना, उनमें से एक भाई जो बाशिक महाराज है ना, सबसे बड़े महाराज। अच्छा, यहाँ का जो जो महासु देवता है उनके जो सबसे बड़े भाई है, ये उनका मंदिर है। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब मंदिर कब कैसे स्थापित हुआ, मतलब स्थापित होता है जैसे कुछ मिलता है, कुछ निशानी मिलती है किसी भी देवता की? यहाँ पे वैसे सुनने में आया कि यहाँ पे कर्णासुर नाम का एक पहले राक्षस होता था। अच्छा, उसको विनाश के लिए महाराज यहाँ पे जो है प्रकट हुए। अच्छा अच्छा, तब से फिर मतलब यहीं पर प्रकट हुए थे, यहीं पर उनका वध किया था। यहाँ पे जो है ना, ये 16 तारीख से जो है, ये कई साल के बाद जो है यहाँ पे ये बाशी महाराज जो है ना अनोल से जो है आते हैं। अच्छा, यहाँ से उनकी पालकी वगैरह में जो है वो ये वापसी जो है अनोल गए, अनोल जाते हैं। मेला टाइप का लगता है उसमें जो है, यहाँ पे जो यहाँ पे कई चार खत के लोग हैं वो आके, बाहर से भी लोग उसके दर्शन को आते हैं। अच्छा, और बल्कि हम भी जो 18 तारीख को पहुँचे उस दिन यहाँ से महाराज बाशी महाराज जो उनका प्रतीक चिन्ह होता है ना, हाँ जी, वो कोठी में गया। अच्छा, हाँ, एक गोरिया बोलते हैं उसको यहाँ स्थानीय भाषा में, गोरिया, डोरिया, डोरिया, डोरिया। अच्छा, हाँ, तो वो डोरिया जो है ना यहाँ पे टेंट लगाए गए, उसमें जो उसकी पूजा अर्चना की गई। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से ग्रामीण लोग जो है ना सब आके, ये सारे जो यहाँ पे जो ये जले हुए ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भंडारा वगैरह हुआ 2-3 दिन तक। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बाद जो है ना एक परिवार ने नीचे जो है गाँव में जो है यहाँ पे जो है उसकी पूजा अर्चना की। अच्छा, फिर यहाँ से जो है ना फिर दूसरे गांव में गए, सावड़ा साइड में जो है, उसके बाद फिर आगे जो है 15 लाख से कमा दी। अच्छा, इतने ज्यादा? 15,000। अच्छा, हाँ, मैं वही बोलूँ 15 लाख कहाँ पर समाएंगे। अच्छा अच्छा, तो हम यही सोच रहे थे बल्कि अभी कि यहाँ पर नीचे जगह जगह पे जलाया हुआ है। हाँ, तो ये जो है ना यहाँ पर रात जो है ना लोगों ने रात पर यहीं पे रहे उसके पास जो है ना। अच्छा जला के। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जैसे गंदगी भी काफी हुई है, तो ये बाहर के लोग आके करते हैं, मतलब कहीं पर रैपर्स गिरे हुए हैं। तो वैसा है ना कि कितनी पब्लिक में जो है फिर जंगल में जाके जो है ना। हाँ, ये लोगों को समझना चाहिए, तो लोगों की जिम्मेदारी है, वन विभाग या फिर गांव वाले कब तक इस चीज के ऊपर काम करेंगे, तो लोगों को सोचना चाहिए कि जब यहाँ पर आ रहे हैं इतनी खूबसूरत जगह में आ रहे हैं, तो उस जगह को गंदगी नहीं। टॉयलेट बाथरूम इधर बने हुए हैं 15,000 आदमी के लिए, तो जो है। अच्छा, नहीं मतलब ऐसे जैसे यहाँ पर खाने पीने की चीजें खा रहे हैं लोग, मैंने रैपर्स देखे नीचे, कागज वगैरह सब ऐसी फेंके हुए हैं। हाँ, ये देखो ये पॉलिथीन वगैरह, हाँ, ये सब ऐसी फेंका हुआ है, तो काफी वैसे जो है ना ये तो कुछ शिक्षा का भी अभाव है, मानसिक रूप से विकसित नहीं है। हाँ। जो इन चीजों को समझे कि भाई ये जो है गंदगी हो रही है, हम यहाँ पे अगर फेंक रहे, बिल्कुल इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल 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 सही है। ये आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किस मतलब किस लिए इकट्ठे हुए हैं आज सब? हमारे गांव में जो है ना ऐसा है ना जी कि ये जब अंग्रेजों का वो था ना, तो पन्नालाल सेटलमेंट हुआ था। अच्छा, उसके आधार पर हमें जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना ये लकड़ी मिलती है। अच्छा, ये फ्री में मिलती है, इसकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा उस टाइम ये हुआ था कि जब जंगलों में आग लगती थी ना, तो ग्रामीण लोग जो है आग बुझाने जाते थे। अच्छा, उसकी एवज में ये माफी लकड़ी दी जाती थी। माफी लकड़ी, अच्छा,
सूखी गिरा पड़ा पेड़ है हाँ जी, तो ग्रामीणों के काम आता था वो। अच्छा, तो इस लकड़ी का आप लोग क्या करते हैं, मतलब घर पे चूल्हा चौके में मकान? हाँ, मैंने ये देखी यहाँ पर लकड़ी के मकान बहुत बने हैं और बहुत खूबसूरत बने हुए। अच्छा, ये इसी से बनते हैं पूरे लकड़ी? लकड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज आपको लकड़ी मिलनी है, आप इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे जो है ना अभी कागज नहीं हमारा आया। अच्छा, लकड़ी बन गई, तैयार हो गई हमारी। अच्छा, किरान वगैरह हो गया। अच्छा, तो जो कागज वहाँ पे कल से गया हुआ है, हाँ हाँ, ये प्रभागीय वन अधिकारी के यहाँ। अच्छा, तो वहाँ से जब ये कागज अनुमोदन होकर आ जाएगा कि इनकी इतनी पेड़ थे, ये लकड़ी बन चुकी है। अच्छा, तब जो है यहाँ पे जो है वन राज्य अधिकारी जो है उसको फाड़ करके फिर यहाँ से ये जो यहाँ पे वो है वन विभाग का जो एक कर्मचारी है उस पर जो है निकासी बना के देगा। अच्छा, तो बनेगी कि भाई ये जो है तब वहाँ पे जो है हम चले जाएंगे। अच्छा, हमारा कागज आ जाएगा कल जो है चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर आपको मिल जाएगा, फिर आप लोग उसे मतलब अपने अपने घरों में लेके जाएंगे फिर वहाँ पर, फिर इसका जो है ना यहाँ से कटवा ले जाएंगे, फिर गांव में जो उसका बंटवारा करेंगे कि हर आदमी को जो। अच्छा, इक्वली सबको एक मतलब एक समान बटेगा? एक समान। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग खाना वाना बना रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर सभी आदमी लोग इकट्ठे हुए हैं। वाह, कितनी अच्छी रोटी बना रहे हैं भैया आप, बहुत अच्छी रोटी, इतनी गोल तो हम भी नहीं बना पाते हैं। तुम तो गैस में बनाते हैं ना? गैस से बनाते हैं, क्या करें अंकल जी, गैस में और इसमें टेस्ट लगे। बिल्कुल बिल्कुल, गैस में तो बहुत फर्क है। गांव जाते हैं जब हम तो हम भी खाते हैं चूल्हे की रोटी। गढ़वाल में कौन सा जगह? मेरे यमकेश्वर ब्लॉक में है। हाँ जी, नीलगंठ से मेरा आधे घंटे का रास्ता है। हाँ जी, ये जो चूल्हे की रोटी होती है ना, इनका टेस्ट ही बहुत अलग होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। वहां पर चावल पक रहा है और यहाँ पर रोटियां बना बना के भैया जी इस पेटी में डाल रहे हैं। बहुत आनंद आता होगा ऐसे सब मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके गप्पे भी लग जाती हैं और मिलना जुलना भी हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वैसे जो यहाँ का रीति रिवाज समाज है ये विश्व में एक अलग उसका वो है जो हमारे देवभूमि है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस आज तक जो है ना अभी तक ईमानदारी और प्यार है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, एकता है बिल्कुल, हमारे गढ़वाल जैसा कल्चर नहीं मिल सकता कहीं और। गढ़वाल जो सार मिलता जुलता है। हाँ जी, गढ़वाल मंडल में हम भी। हाँ, सब हो, सब एक है और क्या। आप दादाजी क्या बता रहे थे मोयला टॉप के बारे में कुछ? वहाँ एक खासियत है, वहाँ जो एरिया है ना उसका, हाँ जी, देवते का ही वो एरिया, वहाँ पेड़ नहीं जमेगा। अच्छा, कब से मुद्दों से? अच्छा, देखो जंगलों में सारा पेड़ है। बिल्कुल, वहाँ देखा तो हमने पेड़, एक पेड़ नहीं था। हाँ। अच्छा, इसकी खासियत है तो ऐसा क्यों है, मतलब कोई मान्यता है इसके पीछे? ना, उसका ऐसा है कि वहाँ मेला लगता है। हाँ जी, तो देवते का कुछ ऐसा थपका है वहाँ। अच्छा, वहाँ पेड़ नहीं जमेगा। तुम जो है अपनी अपने सास ससुर, अपने मालिक और माँ और बाप और बच्चा, बच्चा भी ले आओ और यहाँ घूमो, कोई डरने किसी बात। जरूर, अब आपने बोल दिया ना, अब तो उन लोग को आना पड़ेगा। अब अपना गांव बताइए, आपसे गांव मिलने आएंगे हम। सहसा गांव, सहसा कोरवा सहसा। हाँ जरूर जरूर, आपका शुभ नाम भी बता दीजिए, पूछते पूछते आ जाएंगे। रतन सिंह ग्राम सहसा। ठीक है जी, ठीक है, जरूर बिल्कुल जरूर। को बोला तुमने क्या देखा? हम देख के आए, जो देख के आए। ये है बुड्ढे का कोट ना। अच्छा, तो आप सब एक डांस करके दिखाओ ना। बन के
टोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा थन के मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना तेरे सोने बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, जल्दी मुलाकात होगी अब जरूर 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 जरूर। आपने बोल दिया बस एक बार हमारे लिए वही काफी है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय। देखिए भैया लोग हम लोग को आगे तक छोड़ने आ रहे हैं और अंकल जी 84 साल के हैं फिर भी देखिए। हाँ ये होती है हमारे उत्तराखंड की मेहमान नवाजी। हमने एक चूल्हे की रोटी खाई। छोड़ कर आते हैं वाह। हाँ जी चढ़ा दी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ठीक है दादाजी फिर। अच्छा बेटी ठीक है प्रणाम। तो गाइस देखिए ये है यहाँ पर सेब का बगान। ये देखिए ये सारे सेब के पेड़ हैं और यहाँ पर छोटे 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 सेब लगे हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा छोटू सा सेब है। अब ये बड़े होंगे और फिर ये लदालद हो जाएंगे। ये देखिए सेब कितने लगे हैं ऊपर ऊपर। वाह वाह तो चक्राता का जो हमारा ट्रिप था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत ब्यूटीफुल था, इतना मजा आया। जितना आगे आगे हम लोग चलते गए उतना ज्यादा हम लोग को ऐसा मन करा कि हम लोग यहाँ से वापस ही ना जाएं। सच में कुछ तो बात है चक्राता में कि यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता। अभी हम लोग जिन लोगों से मिले, जिन अंकल जी से दादाजी से हम लोग मिले, उन्होंने भी बहुत अपना प्यार दिखाया। हम लोग को रोटी खिलाई चूल्हे की, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि उत्तराखंड में मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, उनकी बहुत खातिरदारी की जाती है। चाहे आपके घर में नमक रोटी क्यों ना हो, लेकिन जो खातिरदारी करने का तरीका होता है ना, उससे पता लग जाता है कि वो कितने मन से उस चीज़ को कर रहे हैं। बड़े बड़े घरों में भी हम लोग गए हैं लेकिन कई जगह ऐसा महसूस नहीं होता, अपनापन महसूस नहीं होता जो यहाँ पर महसूस हुआ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन लोगों ने हमें इनविटेशन भी दिया कि नेक्स्ट टाइम इनके गांव आया जाए। अभी तो ये लोग लकड़ी लेने आए थे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने हमें नेक्स्ट टाइम अपने गांव का इनविटेशन दिया है। तो हम लोग ज़रूर जाएंगे इनके गांव भी, क्योंकि अगर वो कोई हमें इतने प्यार से बुला रहा है तो उसको मना करना अच्छा नहीं है, बल्कि वहाँ पर और जाने का मन कर रहा है। और अब हमें ऐसा लग रहा है, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि दिवाली के बाद वहाँ पर जाए, वहाँ का कल्चर दिखाए। इनके यहाँ बहुत अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है। तो अभी हमसे वेट नहीं हो रहा वैसे दिवाली तक का, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि दिवाली के बाद हम लोग इनके यहाँ जाए और आपको इनके कल्चर से रूबरू कराएं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चक्राता आना मस्त है, बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, खातिरदारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग चक्राता आना बिल्कुल बनता है, कहीं जाए ना जाए चक्राता जरूर आए, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा अपना मन लगा, शांति लगी, वातावरण भी देखो ना कितना खूबसूरत है ना यहाँ का। तो इसलिए यहाँ ज़रूर आइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना प्यार दीजिए ताकि हम और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें जहाँ पर हम आपको बता सकें कि कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है।